चलो अपन लोग क्लास चालू करते हैं अपनी, है ना। इसमें आज मैं आपको तीन टॉपिक कवर कराने की कोशिश करूंगा। एक तो मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था संबंधी आंकड़े हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति और मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर और उनके उपनाम, ये अपन टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा है मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था संबंधी आंकड़े। इसको हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा कैसा है, कैसे काम होता है मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर, पहले उसको समझते हैं हम। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है राज्य, मध्य प्रदेश राज्य है, उसको सबसे पहले डिवाइड किया गया है संभाग में। हमारे मध्य प्रदेश को संभाग में यानी उन्हें डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। और उनका जो उच्चतम अधिकारी होता है, टॉप लेवल ऑफिसर जो होता है, वो होता है आपका संभाग आयुक्त, या जिसको कमिश्नर बोला जाता है। यानी एक संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? कमिश्नर होता है आपका, संभाग आयुक्त होता है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो शासन व्यवस्था का पहला स्तर आता है वो संभाग आता है। संभाग के बाद में फिर जिला आता है, ठीक है। और जिला का जो उच्चतम अधिकारी होता है वो कौन होता है आपका? जिला का उच्चतम अधिकारी जिलाधीश होता है, या जिला आयुक्त होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है, या डीएम बोला जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम उसको कलेक्टर भी बोलते हैं, कलेक्टर के नाम से जानते हैं। उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम बोला जाता है, जिला अधिकारी को। बात अपना माइक ऑफ रखना सभी लोग। राजेंद्र यादव अपना माइक ऑफ कर लो। सभी लोग अपना माइक ऑफ रखें। इसके बाद में जिला के बाद में जो सेकंड नेक्स्ट लेवल आता है वो ब्लॉक का आता है, यानी विकास खंड का आता है। और विकास खंड का जो उच्चतम अधिकारी होता है वो उप जिला आयुक्त होता है, ठीक है, जिसको हम एसडीएम के नाम से जानते हैं, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये आपका कौन रहता है? उच्चतम अधिकारी रहता है विकास खंड का, जो कि उप जिला आयुक्त कहलाता है, उप जिला आयुक्त के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल आता है वो तहसील का आता है। ब्लॉक के अंदर तहसील आती है, और तहसील का जो उच्चतम अधिकारी होता है वो कौन होता है आपका? तहसील का उच्चतम अधिकारी होता है वो तहसीलदार होता है। तो इस तरीके से वन बाय वन, एक एक करके जो है लेवल इसमें आते हैं आपके। सबसे पहले संभाग, संभाग में से आपका जिलाधीश, जिला, उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक से तहसील, और सबसे बड़ा अधिकारी जो है कमिश्नर। कमिश्नर के बाद में आपका कलेक्टर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर आपका एसडीएम, और तहसील स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है तहसीलदार। तो ये मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा है, आपको इसमें समझ में आएगा। मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा है ये। इसमें जो है आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। अब हम इन्हीं को एक एक करके समझेंगे, है ना। इन्हीं के बारे में हम मध्य प्रदेश के प्रशासनिक राजनीतिक ढांचे में इसी को हम समझेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ समझेंगे। इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स जब हम पढ़ेंगे उसमें मध्य प्रदेश का पूरा प्रशासनिक स्तर पर हम जो है जानकारी लेंगे, वहां हम उसको डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले आपका केंद्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश का केंद्र में क्या राजनीतिक रोल है, तो मध्य प्रदेश जो है आपका, मध्य प्रदेश में राज्यसभा में मध्य प्रदेश की 11 सीटें हैं। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश से कुल कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा में मध्य प्रदेश से कुल 11 सीटें हैं। नेक्स्ट है लोकसभा में मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, 29 सीट्स हैं आपकी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, ठीक है। आपका जो राज्यसभा है उसमें 11 सीट, लोकसभा में 29 सीटें हैं। इसमें से आपका अनुसूचित जाति के लिए जो लोकसभा सीटें आरक्षित हैं वो कितनी है आपकी? 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। कल मैंने बताया था अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं लोकसभा सीटें आरक्षित हैं आपकी? 4 सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन सी 4 सीटें आरक्षित हैं? भिंड, टीकमगढ़, देवास एंड उज्जैन, ये 4 सीटें जो हैं लोकसभा की आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए।
या एससी के लिए ये चार सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित है वो कौन सी हैं आपकी? छह सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कौन कौन सी छह सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला और बैतूल। आप इनको नोट कर लेना, ये सभी पॉइंट्स जो हैं काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये छह सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि एससी के लिए आरक्षित हैं। छह सीटें एससी के लिए, एसटी के लिए आरक्षित हैं और एससी के लिए चार सीटें आरक्षित हैं। 29 में से 10 सीटें आरक्षित हैं टोटल। यहाँ पे ये हमें जो मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में जो है आपको सारी 29 जो लोकसभा क्षेत्र है उनके बारे में बताया गया है। सो यहाँ पे हमने जो है मध्य प्रदेश की जितनी भी सीटें आरक्षित हैं वो उनको लोकसभा सीटों के संबंध में मैंने आपको बताया। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी कितनी आरक्षित हैं आपकी? चार सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और छह सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। इस तरीके से टोटल 10 सीटें आरक्षित है ना। और यहाँ पे ये 29 सीट्स का पूरा मैप है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। टोटल 29 सीट्स का मैप है, मध्य प्रदेश की अलग अलग जगह से 29 सीटों का यहाँ पर मैप दिया हुआ है। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पर हम विधानसभा की बात करेंगे। तो अभी मैंने लोकसभा और राज्यसभा के संबंध में बताया था कि राज्यसभा में 11 सीटें हैं मध्य प्रदेश की और लोकसभा में 29 सीटें हैं। अब आगे बढ़े, चलो अब आपका राज्य में प्रतिनिधित्व है। आपका राज्य में कितना प्रतिनिधित्व है एमपी का? तो एमपी की कुल जो विधानसभा सीट है टोटल वो 231 सीट है, जिसमें से 230 आपकी चुनाव के द्वारा होती है और एक मनोनयन के द्वारा आपकी सीट भरी जाती है, जिसमें राज्यपाल अपनी तरफ से एक व्यक्ति को विधानसभा की सीट पर जो है मनोनीत कर सकता है। ठीक है, उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं वो एक अलग विषय है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में टोटल 231 सीट्स हैं, जिसमें से 230 सीट जो है आपकी चुनाव के द्वारा भरी जाती हैं और एक सीट पर राज्यपाल के द्वारा मनोनयन होता है। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति की अनुशंसा पर किसी एक को मनोनीत करता है। तो ये आपका टोटल विधानसभा सीट्स हैं। अब इनमें अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, आरक्षण की बात करें, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं आपकी? 35 सीट्स रिजर्व्ड हैं अनुसूचित जाति के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं आपकी? तो 47 सीट्स रिजर्व्ड हैं आपकी, 47 सीट्स रिजर्व्ड हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से आंकड़े हैं लेकिन कई बार क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं कि कितनी सीट्स आपकी जो है रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, कितनी सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, सो ये सबका आपको अलग अलग ध्यान में रखना है। राज्यसभा की कितनी सीट है? 11। लोकसभा की कितनी सीट है? 29। 29 में से चार सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है यानी एससी के लिए रिजर्व्ड है और छह सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं? 231। 231 में से 35 सीट्स जो है वो आपकी एससी के लिए रिजर्व्ड है और जो है आपका 47 सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व्ड है। इस तरीके से टोटल आपके 231 सीट्स आपकी इसमें शामिल है, जिसमें से एक सीट का मैंने बताया मनोनयन होता है राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर एक व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। उसकी क्या क्राइटेरिया है वो मैं अलग अपन जब आगे पढ़ेंगे तब अपन उसको देखेंगे। अभी तो आपके पास संख्या देखो इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में इसका प्रशासनिक ढांचा और समझते हैं हम। इसके प्रशासनिक ढांचा के संबंध में क्या क्या है इसमें? मध्य प्रदेश राज्य में कुल 10 संभाग हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल नंबर ऑफ संभाग कितने हैं आपके, डिवीजन कितने हैं मध्य प्रदेश में? टोटल 10 डिवीजन हैं आपके। दो संभाग अभी जो है प्रस्तावित हैं लेकिन अभी बने नहीं है। दो संभाग प्रस्तावित हैं, कौन कौन से संभाग? सतपुड़ा और रतलाम। ये जो दो संभाग हैं ये प्रस्तावित संभाग हैं, इनको प्रस्तावित किया जा चुका है लेकिन अभी इनको जो है परमिशन नहीं मिली है कैबिनेट से। अगर हम जिलों की बात करें, मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं?
तो मध्य प्रदेश में पहले 52 जिले थे, अभी 3 नए जिले आपके गठित हो चुके हैं, उनको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है 18 मार्च 2020 को, ठीक है। तो इस तरीके से वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, लेकिन अभी जो 3 नए जिले गठित हुए हैं उनकी अभी ना तो तहसीलें घोषित की हैं, ना ही उनका कुछ अभी सरकारी रूप से कुछ भी उनके बारे में साइट पर कोई भी डिटेल दी गई है। अभी केवल उनको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि वो जिले बन चुके हैं। तो अब जो टोटल जिले हैं मध्य प्रदेश के अंदर वो कितने हैं, अभी 55 जिले हैं, ठीक है। ये 18 मार्च 2020 को 3 नए जिलों की घोषणा हुई थी। अब राज्य में कुल तहसीलें कितनी है आपकी, तो 377 तहसीलें मध्य प्रदेश राज्य में वर्तमान समय में हैं। 9 नई तहसीलों के लिए प्रस्तावना दी गई है, 9 नई तहसीलों के लिए आपको प्रस्तावित किया गया है, बट अभी करंट टाइम में 377 सीट हैं। लेकिन जैसे ही ये आपके जिले जो बनाए गए हैं 3 नए जिले, अब जैसे ही अभी आप सभी को पता है कि अभी मंत्रिमंडल बन के तैयार हुआ है, अब इन जो नए जिले गठित किए गए हैं इनकी तहसीलें घोषित की जाएंगी, तब यहाँ पे तहसीलों की संख्या चेंज हो जाएगी। अभी तहसीलों की संख्या 377 है मध्य प्रदेश के अंदर। अब यदि हम बात करें कुल विकास खंड कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में जो कुल विकास खंड हैं वो 313 विकास खंड हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कितने विकास खंड हैं टोटल, 313, 313 विकास खंड मध्य प्रदेश के अंदर हैं, ठीक है। इनमें से आदिवासी विकास खंड कितने हैं, 89, 89 जो है आदिवासी विकास खंड हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद में रखना है। विकास खंड का मतलब क्या है, आपका डिविजनल ब्लॉक होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर आता है संभाग, संभाग के अंदर जिला, जिला के अंदर विकास खंड, और विकास खंड के अंदर तहसील। तो डिविजनल ब्लॉक कितने हैं अपने यहाँ, 313 आपके विकास खंड हैं, और उनमें से आदिवासी विकास खंड कितने हैं, 89 है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में कुल आदिवासी विकास खंड कितने हैं, तो 89 आदिवासी विकास खंड हैं, ठीक है। नगर व शहरों की संख्या, मध्य प्रदेश के अंदर कितने नगर और शहरों की संख्या, यहाँ पे जिलों की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे नगर और शहरों की बात चल रही है, ठीक है। जैसे कोलारस भी एक नगर है आपका, ठीक है, बदरवास एक नगर है, तो नगर और शहरों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, 476 है, 476, 476 आपके जो है मध्य प्रदेश में सिटी और टाउन, नगर और शहर का मतलब क्या हो गया, सिटी और टाउन 476 है। तो ये पूरे आपके जो है आंकड़े हैं, कुछ आगे भी बताऊंगा, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लो, है ना, या इनको अगर आप बुक में अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं तो इनको नोट कर लो, है ना। अगर सर, हाँ बोलिए, सर ये जो 3 नए जिले बताए वो उनके क्या नाम है? मैं अभी उनके बारे में ही आपको बताऊंगा, आगे बताता हूँ आप, है ना। अच्छा हाँ, उनके ठीक है, बारे में सारी डिटेल बताता हूँ, अभी प्रस्तावित हो चुके हैं, बन चुके हैं, मैं उनके नाम सारे बता देता हूँ आपको, है ना। और कोई अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, किसी का और कोई क्वेश्चन है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब और देखते हैं हम इसमें, अब इसमें अगर हम लोकल लेवल की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं, तो 16 नगर निगम मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है। नगर पालिकाएं कितनी है, तो अब इसमें आपके 100 नगर पालिकाएं, 98 नहीं है, कितनी है आपकी, 100 नगर पालिकाएं मध्य प्रदेश में बन चुकी हैं अभी वर्तमान समय में, 100 नगर पालिकाएं मध्य प्रदेश के अंदर हैं, ठीक है। नगर पंचायत कितनी है, तो 256 नगर पंचायत हैं, सॉरी 264, 264 नगर पंचायत है। जिला पंचायत 51 है। जनपद पंचायत कितनी है, 313 है, 313 आपकी जनपद पंचायत है मध्य प्रदेश के अंतर। और ग्राम पंचायत कितनी है, तो 23,006 ग्राम पंचायत है। अब इनका भी लेवल होता है, सबसे बड़ा होता है जिला पंचायत, जिला पंचायत के अंदर आता है जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत के अंदर आता है ग्राम पंचायत। इसको वैसे हम इसको आगे डिटेल पढ़ेंगे, पूरा इनका मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, कैसे कैसे इनकी गठन होता है, कैसे अध्यक्ष चुना जाता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आगे आपको। अभी तो आप इतना समझें कि
कि 50,000 से ज्यादा अगर जनसंख्या है तो वो जिला पंचायत बनेगी, ठीक है, 5,000 से ज्यादा जनसंख्या है तो वो आपका जनपद पंचायत बनेगी, और अगर जो है आपकी 1,000 से ज्यादा जनसंख्या है तो वो ग्राम पंचायत घोषित की जाती है। 1,000 से 5,000 तक ग्राम पंचायत, 5,000 से 50,000 तक जनपद पंचायत, और 50,000 से ऊपर के जितने होते हैं वो सब क्या बन जाती हैं, आपकी जिला पंचायत बन जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में कुल कितने गांव हैं, तो 54,903 ये मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में गांव हैं, 54,903, 54,903 ये टोटल नंबर है आपका मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में ग्राम्स का। इनमें से कुल आबाद ग्राम कितने हैं, आबाद ग्राम यानी जिनमें आबादी निवास करती हो, कुछ गांव वीरान है, अगर हम आबाद गांवों की बात करें तो वो कितने हैं आपके, 52,117, ये वो संख्या है जो कि मध्य प्रदेश में आबाद ग्रामों को बताती है। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में आबाद ग्रामों की संख्या कितनी है, 52,117 ये मध्य प्रदेश में आबाद ग्राम है वर्तमान समय में, ठीक है। आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कुल कितने पुलिस जिले हैं। अब ये पुलिस वालों के लिए जो पुलिस की तैयारी है, एमपी पुलिस की तैयारी करें, उनके लिए काफी इंपोर्टेंट है। हालांकि पूरा एक चैप्टर मैं आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें केवल पुलिस पुलिस के संबंध में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, पुलिस थाने कितने हैं, पुलिस जिले कितने हैं, आईजी डीआईजी कैसे इनकी रैंकिंग होती है, वो सारी चीज में बताऊंगा। अभी आप समझो कि मध्य प्रदेश में पुलिस जिले कितने हैं, 52, मध्य प्रदेश में 52 पुलिस जिले हैं, ठीक है। पुलिस जिला क्या होता है पहले मैं ये भी बता दूंगा आपको, जहां पर एसपी बैठता है वो क्या है आपका, पुलिस जिला है। तो आपका 52 पुलिस जिले मध्य प्रदेश के अंदर हैं। पुलिस थाने कितने हैं, तो 1,035 पुलिस थाने हैं मध्य प्रदेश के अंदर। बाकी हम डिटेल पुलिस के संबंध में आगे भी पढ़ेंगे, तो अभी हमें इनको समझना है, पुलिस थाने कितने हैं, 1,035, ये आंकड़े आपको समझ में आए हों। यदि इससे संबंधित किसी का क्वेश्चन है तो अपना माइक चालू करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। है किसी का क्वेश्चन इससे संबंधित, लगता है नहीं है, सबको क्लियर है, आगे बढ़े, चलो ठीक है। सो ये सारे पॉइंट है आपके मध्य प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत सबके संबंध में मैंने आपको बताया, थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है अभी, है ना। आगे हम इनको डिटेल में अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये तो अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इन सभी का। अब हम आगे देखते हैं, जैसा अभी पूछ रहे थे और मैंने भी बताया था कि मध्य प्रदेश के अंदर 3 नए जिलों का गठन हुआ है। कब हुआ है आपका, 18 मार्च 2020 को, आपको पता होगा जब ये सरकार गिरने वाली थी कांग्रेस की सरकार, उससे पहले उसने आनन फानन में 3 नए जिले गठित कर दिए, ठीक है। सो वो 3 नए जिले हैं कौन कौन से, ये आपका लिखा हुआ है, कमलनाथ कैबिनेट ने मेहर जिलों के नाम है, ये मेहर, चाचौड़ा और नागदा को जिला बनाने की मंजूरी दे दी है। कब आपका, अब इस तरह से टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए हैं एमपी के अंदर, 55 हो गए हैं। 18 मार्च 2020 की ये बात है, 18 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले 10 अक्टूबर 2018 को एक नया जिला बना था निवाड़ी, अब ये 3 नए जिले बने हैं। अब इनके संबंध में भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं कि ये जिले कहाँ कहाँ से बन के अलग अलग होकर के बने हैं आपके, ठीक है। सो अगर अपन बात करें इसमें, ये 3 जिले हैं, तो मेहर कहां से अलग हुआ है आपका, सतना से, सतना से मेहर अलग हो गया, गुना से चाचौड़ा अलग हो गया, हेलो, आपने पायों भेज दिया क्या एडमिन उसके लिए, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, आप फिर से भेजो मैं फिर कर दूंगा, है ना, ठीक है। इसमें आपका गुना से चाचौड़ा और उज्जैन से नागदा, ये जिले आपके जो है अलग हुए हैं, नए जिले बने हैं। इनको थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं। अगर हम मेहर की बात करें तो मेहर की जो मांग की थी वो किसने की थी, मेहर की मांग भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी, क्योंकि इनके नाम मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि किनकी मांग पर जिला गठित किया गया है। तो नारायण त्रिपाठी की मांग पर सतना से पृथक कर
मेहर को नवीन जिला घोषित किया गया है, ठीक है। सतना से मेहर अलग हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, ये सतना का मैप है और इसमें ये जो हिस्सा है आपका ये मेहर का हिस्सा है, ठीक है, मेहर है ये आपका, तो इसको नया जिला घोषित किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी तहसीलें शामिल की गई हैं वो अलग आपका आगे अब आएगा उनके संबंध में। फिलहाल तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि मेहर जिला को रीवा संभाग में शामिल किया गया है। किस संभाग में शामिल किया गया है? रीवा संभाग में। तो ये मेहर जिला के संबंध में मैंने आपको बताया कि मेहर जिला जो है आपका वो कहाँ से अलग होके बना है? सतना से अलग होकर के बना है और इसको किस में शामिल किया गया है? रीवा संभाग में मेहर जिले को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, नेक्स्ट है चाचौड़ा। हेलो, आप रिमूव हो करके फिर से एंटर करो, उसमें आप एडमिट के लिए आई नहीं रहे हो उसमें, है ना, ठीक है, रिमूव हो करके फिर से एंटर करो आप, है ना, एक बार एग्जिट हो या फिर से एंटर करो। अब नेक्स्ट है आपका चाचौड़ा जिला। चाचौड़ा जिला कहां से अलग हुआ है? आपका लक्ष्मण सिंह की मांग पर। ये लक्ष्मण सिंह कौन है? दिग्विजय सिंह के भाई हैं ये आपके। लक्ष्मण सिंह की मांग पर गुना से पृथक होकर के चाचौड़ा नाम का नया जिला बना है आपका, ठीक है। ये गुना है आपका, ये गुना का मैप है और ये गुना के बिल्कुल लास्ट में जो है चाचौड़ा दिया है, तो ये चाचौड़ा जो है आपका गुना से अलग होकर के बना है लक्ष्मण सिंह की मांग पर और इसको ग्वालियर संभाग में शामिल किया गया है। पहले ग्वालियर संभाग में 5 जिले थे, अब इसमें छठवा नया जिला आपका शामिल कर दिया गया है। वो छठवा नया जिला कौन सा है? ग्वालियर के अंदर चाचौड़ा नाम से एक नया जिला शामिल किया गया है ग्वालियर संभाग के अंदर, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको? किसी को ग्वालियर संभाग के 5 जिलों के नाम पता है? कौन कौन से 5 जिले हैं ग्वालियर संभाग में? अगर पता हो तो अपना माइक ऑन करके आप अपने नाम बताइए इसमें, 5 जिलों के नाम अगर किसी को पता है तो। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। हाँ, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। अब दतिया इसमें एक नया जिला ऐड हो गया और वो है आपका चाचौड़ा। चाचौड़ा। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गए आपके ग्वालियर डिवीजन में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आपके अब वर्तमान समय में हो गए। अब आप अपना माइक ऑफ कर लें। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो आप ले सकते हो, वैसे तो आप शॉर्ट नोट में भी लिख सकते हो। ये नाम जरूर लिख लेना किन किन ने मांग की है और किसकी मांग पर ये जिले बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका नागदा। नागदा जो जिला है वो आपका उज्जैन से अलग होकर के बना है, ठीक है। उज्जैन में आपका पहले नागदा आता है, ये जो क्षेत्र है आपका ये मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैं इसको जो है अलग से साइकिल भी किए देता हूँ। ये नागदा है आपका और अब ये वर्तमान में एक नए जिले के रूप में घोषित हो चुका है, ठीक है। और इसकी जो मांग की थी वो किसने की है? दिलीप गुर्जर ने की है, वहां के जो विधायक हैं उज्जैन के, उन्होंने इसकी मांग की थी और ये उज्जैन से पृथक होकर के एक नया जिला के रूप में घोषित हुआ है और इसको उज्जैन संभाग में शामिल किया गया है। किस संभाग में लेके आया गया है नागदा को? उज्जैन संभाग में लेकर के आया गया है। इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में टोटल 55 जिले बन चुके हैं, जिनमें से 52 में अभी काम चल रहा है और बाकी जो अभी 3 नए गठित जिले हैं इनकी अभी स्ट्रक्चर नहीं घोषित किया गया है, क्योंकि उसके 18 मार्च के तुरंत बाद गवर्नमेंट गिर चुकी थी, फिर नई गवर्नमेंट बनी है, उसका मंत्रिमंडल नहीं था, अब मंत्रिमंडल बना है, तो अब इसको जो है बिल्कुल सही तरीके से इसके तहसील वगैरह घोषित की जाएंगी, ठीक है। लेकिन चूंकि इसको कैबिनेट से मान्यता मिल चुकी थी अतः ये जिले बन चुके हैं, इसमें अभी कोई वो नहीं है कि ये जिले नहीं बने हैं, जिले तो बन चुके हैं क्योंकि इनको कैबिनेट से मान्यता मिल चुकी थी, ठीक है। तो ये टोटल 55 जिले मध्य प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। तो ये इसमें किसी को कोई परेशानी किसी तरह की बताओ, जो अभी मैंने आपको नो बताया इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन किसी का इससे संबंधित? अब आगे देखते हैं हम इसको, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम जो आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति एवं उनके उपनाम। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि मैं आपको एक अलग से पूरा चैप्टर बताऊंगा,
यहाँ पर मध्य प्रदेश के जितने भी फेमस पर्सन हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और अलग अलग टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने उन व्यक्तियों के नाम शामिल किए हैं जिनके कुछ उपनाम है ना। उदाहरण के लिए जैसे दिग्विजय सिंह है, इनका उपनाम है दिग्गी आजा। ऐसे ही आपके अलग अलग व्यक्तियों के नाम और उनके उपनाम मैंने बताए हैं जो मध्य प्रदेश से आते हैं, ठीक है। सो हम इनको देखते हैं एक एक करके। तो इसमें सबसे पहला नाम जो मैंने शामिल किया है वो राजा छत्रसाल का है। राजा छत्रसाल छतरपुर के शासक थे ये आपके, ठीक है। और इनको बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, क्वेश्चन बनेगा कि बुंदेलखंड का शिवाजी के नाम से किसको जाना जाता है, तो राजा छत्रसाल को जाना जाता है। छत्रसाल के नाम पर ही छतरपुर नाम पड़ा है। ये छतरपुर जो नाम पड़ा है आपका किसके नाम पे पड़ा है, छत्रसाल के नाम पर पड़ा है। तो बुंदेलखंड का शिवाजी के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद राम तनु पांडे, सभी को जा पता है राम तनु पांडे, इनको तानसेन या संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनका एक उपनाम है तानसेन और संगीत सम्राट, यहां पे ये आपके उपनाम आएंगे, ठीक है। और यहां पर उनका वास्तविक नाम, ये वास्तविक नाम है ये उपनाम है, तो तानसेन उपनाम है और इनका वास्तविक नाम क्या है आपका, राम तनु पांडे। राम सर तनु, लेगा हुआ नहीं दिख रहा, हाँ जी हाँ सर एक ही दिख रहा है, राजा छत्रसाल कोई लिखा हुआ नहीं दिख रहा, अब ठीक है लिखने लगा। दिखने लगा, चलो ठीक है। तो राम तनु पांडे आपके जो हैं ये तानसेन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अकबर के दरबार में नौ रत्नों में ये शामिल थे, है ना। इनका जन्म ग्वालियर के बेहट में हुआ था, ठीक है। और ये रीवा के राजघराने से संबंधित थे, यानी कि रीवा के राज परिवार के उनके कवि थे खुद के, और वहां से फिर ये जो है आगरा में चले गए थे जो है अकबर के दरबार में। तो राम तनु पांडे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो नाम आता है इसमें वो किसका है, कालिदास का। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। और ये उज्जैन से संबंधित है, ये कहाँ से संबंधित है, उज्जैन से संबंधित है। ये विक्रमादित्य के शासन काल में थे उज्जैन में, कल मैंने आपको विक्रमादित्य के संबंध में बताया था, तो विक्रमादित्य के शासन काल में थे कालिदास। तो ये तीन नाम आपको समझ में आए होंगे, राजा छत्रसाल, रामतनु पांडे और कालिदास, ये तीन नाम जो हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट चंद्रशेखर आजाद, इनको शहीद के नाम से जाना जाता है। ये शहीद के नाम से जाने जाते हैं चंद्रशेखर आजाद। लता मंगेशकर, इनको स्वर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है। और दिग्विजय सिंह, इनको दिग्गी राजा के नाम से जाना जाता है। अब चंद्रशेखर आजाद कहाँ से हैं आपके, मध्य प्रदेश से ही हैं चंद्रशेखर आजाद। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ से हैं, ये मध्य प्रदेश में जो है अपना माइक ऑफ कर लेना अभिषेक, अभी ऐड हुए हैं, अपना माइक ऑफ कर लेना। हाँ तो चंद्रशेखर आजाद जो है आपके वो आपके अलियाजपुर के भावया गांव से संबंधित हैं, ठीक है। और उस गांव का नाम अब बदल के आजाद नगर कर दिया गया है। इसी तरीके से लता मंगेशकर कहाँ से हैं आपकी, इंदौर से हैं, ये आपका इंदौर में इनका जन्म हुआ था। दिग्विजय सिंह कहाँ के हैं आपकी, दिग्विजय सिंह जो हैं गुना के समीप जो राधौगढ़ है वहां से हैं, वहां के ये पहले राजा थे आपके राधौगढ़ के, तो दिग्विजय सिंह, इसीलिए इनका नाम दिग्गी राजा के नाम से है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति, और नेक्स्ट देखते हैं हम कौन कौन से हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी, इन्हें एक भारतीय आत्मा, ये इनका उपनाम है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है एक भारतीय आत्मा के नाम से। काफी फेमस कवि हैं ये, अपने मध्य प्रदेश के थे और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था, माखनलाल चतुर्वेदी। मनुबाई, मनुबाई इन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका वास्तविक नाम मनुबाई था और ये यूपी में झांसी की रानी थी, सभी को इनके बारे में पता है। और ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो ये इसीलिए फेमस है।
अपने मध्य प्रदेश के जीके में आती है, क्योंकि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई है, ग्वालियर में हुई है। मनुबाई, अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई, ये रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से इनको जाना जाता है। यानी कि ये कहाँ से थी आपकी, मंडला के समीप रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पे पड़ता है आपका, मंडला जिले के अंतर्गत आता है। तो रामगढ़ के की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इनको, क्योंकि जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार से इन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी, जो है रानी अवंती बाई ने। तो ये आपके नाम है, आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। सर माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ से थे? माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ से थे? नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी एमपी में ही, ये शायद आपके खंडवा या खरगोन से कहीं से थे आपके, है ना। तो जबलपुर में इनका काम कहा जाए, जबलपुर में इन्होंने काम किया। और बाकी अपन इनकी पूरी जीवनी वो पढ़ेंगे अपन, जब कभी पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के, तो उसमें मैं आपको सर वो होशंगाबाद से थे सर, होशंगाबाद से थे सर, होशंगाबाद के से थे। हाँ वही मैं बताया, जब अपन इनकी डिटेल पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में सारी जानकारी, है ना। तब अपन उसमें पूरी डिटेल पढ़ेंगे, सभी मध्य प्रदेश के सारे कवि और साहित्यकारों के बारे में अपन सब पढ़ेंगे, उसमें इनको आएगा, इनका नाम आएगा माखनलाल चतुर्वेदी का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, पंडित कुंजीलाल दुबे, ये मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। विजया राजे सिंधिया, अभी तो आप केवल उपनाम पे ध्यान दो, क्योंकि हम यहाँ पे उपनाम पढ़ रहे हैं। उपनाम विजया राजे सिंधिया का क्या है, राजमाता के नाम से जाना जाता है, सभी इनको जानते हैं, अपने ग्वालियर क्षेत्र की है विजया राजे सिंधिया, ठीक है, माधव सिंधिया की माता जी। अहिल्याबाई होलकर, इनको लोक माता के नाम से जाना जाता है, या इनको देवी के नाम से भी जाना जाता है, अहिल्याबाई होलकर। होलकर साम्राज्य की साम्राज्ञी थी आपकी, और इंदौर से संबंधित थी। अहिल्याबाई होलकर कहाँ से संबंधित है आपकी, इंदौर से, ठीक है। काफी कंफ्यूजन होता है इसमें राजमाता और लोक माता में, तो राजमाता कौन है आपकी, विजया राजे सिंधिया है, और लोक माता कौन है आपकी, अहिल्याबाई होलकर, जो है वो लोक माता के नाम से उनको जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखें इसमें, कुशवाहू ठाकरे, इनको किस उपनाम से जाना जाता है, भाजपा के पितृ पुरुष के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में भाजपा को स्थापित करने का से इन्हीं को जाता है, कुशवाहू ठाकरे को, इसीलिए इन्हें भाजपा के पितृ पुरुष के नाम से जाना जाता है, कुशवाहू ठाकरे को। अशोक कुमार, अशोक कुमार आपका दादा मुनि के नाम से जाना जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, दादा मुनि काफी फेमस एक्टर हैं ये आपके अपने जमाने के, अब तक है इनका देहांत हो चुका है, ये खंडवा जिले से थे अशोक कुमार, और इनके भाई थे किशोर कुमार, जो कि काफी फेमस गायक थे, वो भी आपके दोनों जो है खंडवा जिले से ही हैं, ठीक है। सो अशोक कुमार आपका दादा मुनि के नाम से इनको जाना जाता है। बाकी कौन से व्यक्ति किन किन क्षेत्रों से हैं, या जो फेमस पर्सन है वो किन किन क्षेत्रों से हैं, वो अपन एक अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं उन लोगों को शामिल किए हूँ जिनके उपनाम है, कुछ कोई अगर उपनाम है तो उनको मैं लेकर के आया हूँ यहाँ पे बस खाली। तो कुशवाहू ठाकरे, अशोक कुमार और राजेंद्र कुमार, ये भी हैं आपके राजेंद्र कुमार, ये भगवान रजनीश के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, भगवान रजनीश या ओसो, ये सीधी जिले से थे आपके। किससे हैं आपके, राजेंद्र कुमार का जन्म सीधी जिले में हुआ था, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में राजेंद्र कुमार का जन्म हुआ था, और फिर बाद में इन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था, तो इनको ओसो के नाम से जाना जाता है। आज भी वर्तमान समय में भी इनके काफी सारे फॉलोअर्स पूरे देश भर में और विदेशों में भी हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ मध्य प्रदेश के फेमस पर्सन हैं। कुछ और देखते हैं हम, संत सिंगाजी, ये मालवा के कवि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है मालवा के कवि के नाम से किसको जाना जाता है, तो संत सिंगाजी के को जाना जाता है। और संत सिंगाजी का मेला लगता है आपका खरगोन में, खरगोन में सिंगाजी का मेला लगता है, बहुत फेमस मेला होता है आपका खरगोन के अंदर लगता है सिंगाजी का मेला। तो ये संत सिंगाजी है मालवा के कवि के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद है आपका सैयद मुश्ताक अली,
ये कैप्टन के नाम से जाने जाते हैं, आप लोग शायद इनको जानते ही होंगे। ये जो है आपके फेमस क्रिकेटर हैं, अपने भारत के क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, तो इसलिए इनको कैप्टन के नाम से जाना जाता है। और सभी को पता होगा ये जो है भोपाल से संबंधित हैं, ठीक है। और इनके जो लड़का है वो आपका कौन है, सैफ अली खान, जो अभी वर्तमान समय में काफी फेमस एक्टर है। तो सैयद मुश्ताक अली कैप्टन के नाम से जाने जाते हैं, और सुमित्रा महाजन इनको ताई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ताई के नाम से। और ये कहाँ से है सुमित्रा महाजन, तो इंदौर से है। सुमित्रा महाजन है आपकी इंदौर से। सुमित्रा महाजन काफी लंबे समय तक ये आपकी सांसद रही हैं, और लोकसभा की अध्यक्ष भी रही हैं। पिछले जो लोकसभा थी उसकी अध्यक्ष रही हैं सुमित्रा महाजन। तो ये हमने सारे नाम देखे, आप इसको कैप्चर कर लो। अभी कुछ और नाम बाकी बचे हैं, तो हम उनको देखते हैं। अलाउद्दीन खान, ये सरोद सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है, अलाउद्दीन खान। हालांकि मैं मध्य प्रदेश के जितने भी कवि हैं उन सबको अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा। बाकी ये मेहर से हैं आपके, कहाँ पे, मेहर घराने के हैं ये आपके अलाउद्दीन खान जो है। अभी मैंने मेहर का नाम बताया था, सतना जिले के अंतर्गत आता था, अब तो खुद में एक नया जिला बन गया है मेहर। तो ये मेहर घराने के हैं अलाउद्दीन खान, सरोद सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र या डीपी मिश्र बहुत फेमस है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये आपके पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। और इनको आधुनिक चाणक्य के नाम से जाना जाता है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को आधुनिक चाणक्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, शंकर लक्ष्मण, ये गोली या बुलेट के नाम से जाना जाता है। ये आपके काफी फेमस प्लेयर थे शंकर लक्ष्मण, ठीक है। इनके जब मैं प्लेयर्स पढ़ाऊंगा, एमपी के खेल से संबंधित सारी चीजें पढ़ाऊंगा, उसमें मैं इनका नाम बताऊंगा शंकर लक्ष्मण का। ये भी काफी फेमस रहे हैं मध्य प्रदेश में। आचार्य केशव दास आपके जो है कठिन काव्य का प्रेत के नाम से जाना जाता है इनको, आचार्य केशव दास को, ठीक है। ये कहां से थे, कोई बता सकता है ये कहां से थे, आचार्य केशव दास किस जगह से थे? अगर किसी को पता हो तो माइक ऑन करके बता दे, आचार्य केशव दास कहां से हैं? नहीं पता। आचार्य केशव दास आपके ओरछा से थे, ठीक है। ओरछा जो कि आपका टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता था, अब तो निवाड़ी में आता है। तो ये ओरछा से थे आपके आचार्य केशव दास, और इनको कठिन काव्य का प्रेत बोला जाता है। इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत बड़े कवि थे ये अपने जमाने के, खड़ी बोली के कवि थे। और इन्होंने रसिक प्रिया और कई ऐसी कविताएं इन्होंने लिखी हैं आचार्य केशव दास ने। लक्ष्मण सिंह गौड़, अभी दिग्विजय सिंह के नाम संबंध में मैंने बताया था, दिग्गी राजा के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण सिंह को दादा भैया के नाम से जाना जाता है, और ये भी आपके जो है गुना जिले के से ही संबंधित हैं, गुना जिले के जो है राधवगढ़ घराने के हैं, दिग्विजय सिंह के भाई हैं लक्ष्मण सिंह, ठीक है। अभी इनका नाम और मैंने बताया था, जो चाचौड़ा जिला बना है वो इन्हीं की मांग पर बना है, लक्ष्मण सिंह की मांग पर। और जमुना देवी जो है आपकी, इनको बुआ के नाम से जाना जाता है। जमुना देवी को किस नाम से जाना जाता है, बुआ के नाम से जाना जाता है। इनके संबंध में कोई बता सकता है, जमुना देवी के संबंध में, जमुना देवी कौन है? हाँ जी, महिला विपक्ष की नेता थी, महिला प्रतिपक्ष नेता थी ये, विधानसभा में पहली, विपक्ष की नेता थी। हाँ पहली महिला प्रतिपक्ष नेता है। और ये इन्होंने बहुत लंबे समय तक महिला प्रतिपक्ष का जो है, नेता प्रतिपक्ष का काम संभाला है। जो भाजपा की पिछली सरकारें थी उसमें यही आई है आपकी कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। तो इनको बुआ जी के नाम से जाना जाता है जमुना देवी को। तो ये मैंने आपको मध्य प्रदेश के फेमस पर्सन और उनके उपनाम मैंने आपको बताए, मध्य प्रदेश के कुछ फेमस पर्सन और उनके उपनाम। ऐसा नहीं है कि सारे पर्सन हो चुके हैं, अभी बहुत से व्यक्ति हैं जिनको हमें पढ़ना है, बट मैंने केवल उनको यहाँ पे शामिल किया जिनके कुछ उपनाम थे, कुछ अलग से नाम थे, उन्हीं को मैंने शामिल किया है। आगे के लेक्चर्स में हम बाकी के लोगों को भी समझेंगे कि
कि कौन कहाँ से है, क्या उसकी विशेषता है, कब जन्म हुआ था, कब मृत्यु हुई थी, वो सारी जानकारी हम आगे के लेक्चर्स में लेते आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, अब हमें जो है इसमें नेक्स्ट चलना है। तो अभी अपन आगे पढ़ाए नेक्स्ट। एक टॉपिक और है, उसको हम देख लेते हैं। एक स्लाइड और है। अब हम जो है देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश के कुछ फेमस शहर और उनके उपनाम। ठीक है, कौन कौन से हैं, कुछ प्रमुख शहर और उनके उपनाम। यहां पे मैंने उन शहरों को शामिल किया है जिनके उपनाम है। अगर उपनाम नहीं होगा तो उसको मैंने शामिल नहीं किया है, केवल उन्हीं शहरों को शामिल किया है जिनके उपनाम है। देखिए, हम इसमें लिस्ट देखते हैं। तो प्रीतमपुर ये धार जिले में आता है आपका, और इसको मध्य प्रदेश का डेट्राइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश का डेट्राइट। ठीक है, ये काफी बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर का बहुत बड़ा केंद्र है आपका। ठीक है, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में काफी फेमस ऑटोमोबाइल सेक्टर का केंद्र है। प्रीतमपुर धार जिले के अंतर्गत आता है। इंदौर, इंदौर को किस नाम से जाना जाता है? तो मिनी मुंबई, अहिल्या नगरी और उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिनी मुंबई, अहिल्या नगरी और उद्योग नगरी के नाम से जो है इंदौर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, इसलिए ये उद्योग नगरी है। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्री, कारखाने, बिजनेस वगैरह काफी है आपका। मिनी मुंबई, आर्थिक राजधानी बोला जाता है इंदौर को, मध्य प्रदेश की। इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, इसको कपड़ों का शहर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? कपड़ों का शहर, क्योंकि यहाँ पे कपड़ों का काफी काम होता है ना। मल्हार नगरी और इंदुपुर इसका पुराना नाम है, इंदुपुर इसका प्राचीन नाम है, ये ध्यान में रखना। इंदौर का पुराना नाम क्या है? इंदुपुर। कई बार ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि इंदौर का प्राचीन नाम क्या है, तो इंदुपुर इंदौर का प्राचीन नाम है। अहिल्या नगरी क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पर जो है होलकर वंश की अहिल्या बाई का शासन था, जिनके संबंध में मैंने अभी आपको बताया था कि वो लोक माता के नाम से जानी जाती हैं। तो अहिल्या बाई का शासन यहाँ पे था इंदौर में, इसीलिए इसको अहिल्या नगरी के नाम से जाना जाता है। उज्जैन, उज्जैन को मंदिर मूर्तियों का नगर कहा जाता है। उज्जैन को किस नाम से जाना जाता है? मंदिर मूर्तियों का नगर, या अवंतिका इसका पुराना नाम था। पुराना नाम क्या था? अवंतिका। ये भी मैंने आपको बताया था, जब विक्रमादित्य का शासन था तो ये अवंतिका के नाम से इसको जाना जाता था। इसके अलावा इसको मंगल ग्रह की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह की जन्मभूमि। ठीक है, यहाँ पर मंगलनाथ मंदिर है, काफी फेमस मंदिर है मंगल ग्रह पर, वो सॉरी उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है। ठीक है, जो कि मंगल ग्रह की जन्मभूमि मानी जाती है, इसको उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से नाम हो गए उज्जैन के? मंदिर मूर्तियों का नगर, अवंतिका, मंगल ग्रह की जन्मभूमि और उज्जैनी। ये जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नाम हैं, उपनाम। पचमढ़ी, पचमढ़ी को किस नाम से जाना जाता है? पर्यटकों का स्वर्ग, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन। पचमढ़ी के संबंध में कई सारे फैक्ट हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। ठीक है, सबसे ज्यादा बरसात होती है पचमढ़ी में। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ की चोटी, वो भी पचमढ़ी में ही है। तो काफी सारे फैक्ट हैं, और ये घूमने फिरने के लिए काफी अच्छी जगह मानी जाती है, इसीलिए इसको पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, पर्यटकों का स्वर्ग। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर लेना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, और अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो इसको। नेक्स्ट है आपका मांडू, ये भी धार जिले के अंतर्गत आता है और काफी फेमस है ये। तो मांडू तो आपका जो है, मांडू क्यों फेमस है? मांडू में काफी सारे महल हैं, इसीलिए इसको महलों का नगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महलों का
नगर, कई तरह के महल है, खरबूजा महल, असरफी महल, कई नाम है इनके, अलग अलग महल है मांडू के अंदर। सिटी ऑफ जॉय के नाम से इसको जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय। आनंद नगर, सादियाबाद और मांडवगढ़, ये इसके फेमस नाम है। मांडू का जो प्राचीन नाम है वो मांडवगढ़ था, मुगलों के काल में इसका नाम सादियाबाद रख दिया गया था, और ये मुगलों का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल था मांडू, ठीक है। और सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगर और महलों के नगर से भी नाम से भी इसको जाना जाता है। सांची भोपाल के पास में पड़ता है आपका, सांची रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, काफी फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है। विश्व भर में प्रसिद्ध सांची के स्तूप यहाँ पर मौजूद है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम काकनावाद है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सांची का प्राचीन नाम क्या था। तो सांची का प्राचीन नाम बौद्ध ग्रंथों में काकनावाद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? काकनावाद, ठीक है। आगे हम देखते हैं सिंगरौली। सिंगरौली को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। अभी मैंने आपको इंदौर में बताया था कि इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, जबकि सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोयला काफी मात्रा में निकलता है, कोयला से बिजली उत्पादन होता है बड़ी मात्रा में, इसलिए इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है सिंगरौली को, ठीक है। मध्य प्रदेश का जिला है, सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का। यहाँ पे ये मैं इसको मार्क करता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सिंगरौली है, सबसे पूर्व में स्थित है। मध्य प्रदेश का पूर्वी बिंदु भी यहीं पर स्थित है, सिंगरौली जिले में। आगे बढ़ते हैं हम, आगे है आपका मेहर। मेहर अभी मैंने बताया था आपको, जो है सतना जिले के अंतर्गत आता था, अभी नए जिले के रूप में गठित हुआ है मेहर। और इसको संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नगरी, किसके नाम से जाना जाता है? संगीत नगरी। क्यों जाना जाता है संगीत नगरी के नाम से? क्योंकि यहाँ पर उस्ताद अलाउद्दीन खां का पूरा एक उनका घराना था। इसको मेहर बैंड के नाम से भी जाना जाता था, उनके घराने को, अभी भी मौजूद है, ठीक है। मेहर महोत्सव आयोजित होता है वहां पर वर्तमान समय में भी, तो काफी फेमस है मेहर भी आपका संगीत के क्षेत्र में, इसका काफी नाम है। इसके बाद सिवनी। सिवनी जो है आपका लखना दौन के नाम से जाना जाता है, या इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है, सिवनी। अच्छा, सिवनी कहाँ पे पड़ता है आपका? बिल्कुल दक्षिण में, बालाघाट के पास में, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इसको सियोनी भी बोलते हैं और सिवनी भी बोलते हैं। सियोनी भी इसका नाम है और सिवनी, और लखना दौन इसका उपनाम है, और मध्य प्रदेश का लखनऊ इसको बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ की मावा बाटी बहुत फेमस है सिवनी की, ये भी आपका पॉइंट है, ठीक है। मध्य सिवनी की मावा बाटी बहुत फेमस है। तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश का लखनऊ के नाम से जाना जाता है। खजुराहो, ये तो सभी को पता होगा, खजुराहो आपका टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, काफी फेमस है। ये मध्य प्रदेश का शिल्प तीर्थ कहा जाता है, शिल्प तीर्थ बोला जाता है इसको। ये जो है आपका, या इसको चंदेल नगर के नाम से भी जाना जाता है खजुराहो को, बहुत फेमस है, आपका यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। हाँ छतरपुर जी बोलिए बोलिए। में आता है टीकमगढ़ हाँ हाँ में सही आता है, सही टीकमगढ़ कब आता है? नहीं 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 सही बोला आपने, छतरपुर में ही आता है खजुराहो, चंदेल नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो खजुराहो आपका किसके नाम से जाना जाता है? चंदेल नगरी के नाम से। मध्य प्रदेश का शिल्प तीर्थ, और सबसे बड़ी बात है ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है आपका खजुराहो। यहाँ पर चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए 85 मंदिर हैं, जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। तो ये सारे आपके मध्य प्रदेश के फेमस नगर अभी जो मैंने आपको बताए हैं, कुछ और भी इसमें आगे हैं। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको भी लेना हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है सारे उनका, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट। अपना माइक ऑफ कर लो, अगर किसी को पूछना नहीं हो तो माइक ऑफ कर लो, किसने ऑन किया है?
उसमें लोगों के दाई के रहा अब आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट भोपाल। भोपाल को किस नाम से जाना जाता है? तो भोपाल को झीलों का नगर के नाम से जाना जाता है। भोपाल किस नाम से जाना जाता है? झीलों का शहर या भोजपुर या भोजताल या सॉरी भोजपाल, इन नामों से भोपाल को जाना जाता है। ये भोपाल के नाम है, उपनाम है, भोपाल के पुराना नाम है भोपाल का भोजपुर, भोजपाल और झीलों का शहर, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ग्वालियर, ग्वालियर को किस नाम से जाना जाता है? तानसेन नगरी के नाम से ग्वालियर को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ग्वालियर के बेहट में ही तानसेन का जन्म हुआ था। इसके अलावा गालव नगरी के नाम से भी जाना जाता है और गोपांचल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्वालियर का जो किला है उसको पूर्व का जिब्राल्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका ग्वालियर के किले को? पूर्व का जिब्राल्टर ग्वालियर किले को बोला जाता है। काफी फेमस किला है, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े किलों में वो शामिल है आपका ग्वालियर का किला। ठीक है, सो ये ग्वालियर है आपके, ग्वालियर के उपनाम है। कटनी, कटनी को किस नाम से जाना जाता है? तो मुड़वाया के नाम से जाना जाता है। कटनी को किस नाम से जाना जाता है? मुड़वाया या चूना नगरी के नाम से यहाँ इस पे जाना जाता है। चूना पत्थर बहुत ज्यादा यहाँ से होता है आपका कटनी में। कटनी हुआ, जबलपुर हुआ, इन क्षेत्रों में चूना और संगमरमर काफी निकलता है। ठीक है, जब अपन खनिज पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के खनिजों के संबंध में जानकारी लेंगे, वहां पर मैं आपको इनके संबंध में बताऊंगा कौन कौन से खनिज किन किन क्षेत्रों में या किन किन जगह से पैदा होते हैं। तो कटनी से आपका चूना निकलता है, इसलिए इसको चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर का किला, ये मैंने अभी आपको बताया था, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। ग्वालियर किले को किस नाम से जाना जाता है? पूर्व का जिब्राल्टर, काफी फेमस है ये आपका। ठीक है, आप लोग ढूंढना जिब्राल्टर क्या चीज है, आप ये ढूंढना है ना, आपको मिल जाए तो, और नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा फिर कल आपको जिब्राल्टर क्या है। पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से ये इसको जाना जाता है, ग्वालियर के किले को। बालाघाट और भाईवेली, इसको किस नाम से जाना जाता है? आपका मैग्नीज की नगरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भाईवेली है यहाँ पर मैग्नीज की सबसे बड़ी खदानें हैं और इसीलिए इसको मैग्नीज की नगरी के नाम से जाना जाता है। बालाघाट जिला जो है वो खनिज उत्पादन में बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे तांबा और मैग्नीज बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। तो भाईवेली बालाघाट जिले के अंतर्गत आती है और भाईवेली को जो है मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जबलपुर का बेड़ा घाट, ये भी बहुत अच्छा स्थान है बेड़ा घाट जो है आपका, जबलपुर का बेड़ा घाट, और इसको जो है आपका संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आपका संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है बेड़ा घाट को। बेड़ा घाट पर जो है आपका नर्मदा नदी का जलप्रपात है, काफी फेमस आपका ये स्थान है घूमने करने के लिए, पर्यटन की दृष्टि से काफी फेमस स्थान है जो है बेड़ा घाट। तो जबलपुर में बेड़ा घाट जो है संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट विदिशा, विदिशा को किस नाम से जाना जाता है? बेस नगर के नाम से जाना जाता है। ये विदिशा जो है काफी प्राचीन नगर है और इसको पहले प्राचीन काल में बेस नगर के नाम से जाना जाता था। विदिशा के अंदर आपका जो है गरुण स्तंभ स्थापित है, हेलो डेरियस का गरुण स्तंभ कहाँ पे स्थापित किया गया है? विदिशा में स्थापित किया गया है। अपन इसको जब जिले को पढ़ेंगे तब मैं इसके संबंध में पूरी डिटेल बताऊंगा विदिशा के संबंध में। ठीक है, काफी डिटेल है विदिशा के संबंध में। मंदसौर, मंदसौर दशपुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मंदसौर को? दशपुर के नाम से जाना जाता है। मंदसौर में जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। मंदसौर में मध्य प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे आपका चंबल नदी निकलती है, यहाँ से गुजरती है मंदसौर से, तो इसको प्राचीन काल में दशपुर के नाम से जाना जाता था मंदसौर को। मंदसौर को रावण की ससुराल भी बोला जाता है। यहाँ पे बोला जाता है कि जो मंदोदरी थी वो मंदसौर जिले से ही थी, तो इसको रावण की ससुराल भी बोला जाता है।
अब सुहागपुर आपका बिशपपुरी के नाम से जाना जाता है सुहागपुर को। सुहागपुर भी बहुत फेमस है, आपका शहडोल जिले के अंतर्गत आता है सुहागपुर, यहाँ पे आता है सुहागपुर आपका। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे कोयला उत्पादित होता है आपका, यहाँ पे कोयला निकलता है, इसलिए काफी फेमस है सुहागपुर। कायथा, इसको कपित्थ के नाम से जाना जाता है। कायथा उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है। धार, इसको धारा नगरी के नाम से जाना जाता है। और छतरपुर, छतरपुर को आपको जयजागभुक्ति के नाम से जाना जाता है, ये इसका प्राचीन नाम है। जयजागभुक्ति जो है छतरपुर का प्राचीन नाम है। जैसे मैंने बताया कि छतरपुर का नाम जो है राजा छत्रसाल के नाम पे पड़ा था, तो इसको इसका जो अभी नया नाम छतरपुर कर दिया गया है राजा छत्रसाल के नाम पर, पहले इसका जो प्राचीन नाम था वो जयजागभुक्ति था, तो इसको जयजागभुक्ति के नाम से जाना जाता है छतरपुर को, ये इसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट देखते हैं हम सीहोर। सीहोर को किस नाम से जाना जाता है? सिद्धपुर के नाम से जाना जाता है। सीहोर को सिद्धपुर के नाम से जाना जाता है, या निजामते मशरीफ के नाम से भी जाना जाता है। निजामत ए मशरीफ के नाम से सीहोर को जाना जाता है। दतिया, दतिया को दिलीप नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे महाराजा दिलीप सिंह का शासन था, इसलिए इसको दिलीप नगर के नाम से जाना जाता है दतिया को। महेश्वर, महेश्वर को माहेश्मती के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो माहेश्मती है वो बाहुबली फिल्म में दिखाया गया माहेश्मती नहीं है, ये अलग है आपका, ठीक है? ये माहेश्मती के नाम से इसको जाना जाता है, महेश्वर को। ये महेश्वर खंडवा और जो है आपके इंदौर के बीच में पड़ता है, और यहाँ पे होलकर वंश का शासन रहा है माहेश्मती में, ठीक है? तो उनके टाइम में ये काफी फेमस था, महेश्वर का जो होलकर का शासन का केंद्र था, ये माहेश्वर काफी फेमस है आए ये, ठीक है? इसके बाद में मुरैना, मुरैना को शहद जिला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मुरैना को? शहद जिला। क्यों जाना जाता है शहद जिला के नाम से? क्योंकि यहाँ पे मधुमक्खी पालन का काम होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, मधुमक्खी पालन किया जाता है, इसलिए इसको शहद जिला के नाम से जाना जाता है मुरैना को। शिवपुरी का नाम दिया गया, शिवपुरी को किस नाम से जाना जाता है? सीपुरी के नाम से या मिनी शिमला के नाम से इसको जाना जाता है। प्राचीन नाम इसका क्या है आपका? सीपुरी। और मिनी शिमला क्यों बोला जाता है? एक समय ऐसा था यहाँ पे जो है काफी ज्यादा ठंड पड़ती थी, और जो सिंधिया वंश की जो गर्मी ग्रीष्मकालीन राजधानी था ये आपका शिवपुरी, तो इसको मिनी शिमला के नाम से जाना जाता है। और जबलपुर, जबलपुर का क्या नाम है आपका? संस्कार धानी। जबलपुर को संस्कार धानी या महाकौशल के नाम से जाना जाता है। जबलपुर किस नाम से जाना जाता है? संस्कार धानी या महाकौशल के नाम से जबलपुर को जाना जाता है, ठीक है? सो ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 28 सियारों के नाम मैंने आपको बताए और उनके उपनाम मैंने बताए हैं। आगे भी अपन देखेंगे इनको जो है, जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको देखेंगे, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन इससे संबंधित बताइए आप लोग, कोई क्वेश्चन हो आपका किसी प्रकार का कोई भी? नहीं है कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? सब समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आज की क्लास ऑफ करते हैं, आज की क्लास ऑफ ही हो गई 15 मिनट। आप लोग जो है, जो भी सभी लोग शामिल होते हैं, अपना माइक जरूर ऑफ रखा करें, क्योंकि कई लोग बीच बीच में माइक चालू करते हैं तो बहुत डिस्टरबेंस होता है, ठीक है? माइक ना चालू करें आप लोग, है ना? और क्लास को ऑफ करते हैं आज की क्लास को। अगर कोई क्वेश्चन बनता हो आपका तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, उसमें पूछ सकते हो किसी भी तरह का, ठीक है? ओके, तो फिर गुड नाइट अब, है ना?